हेलो, जय हिंद योद्धास। दिस इज तेजस सर फ्रॉम यशोतेज एकेडमी पुणे। सो आज आपके लिए थोड़ा छोटा सा सरप्राइज है जो कि आपके सामने है, विच इज आज का जो लेक्चर है जो कि होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री पे, वो लेक्चर मैं स्मार्ट बोर्ड पे बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सो मैं इसके पहले भी कुछ वीडियोज पे ले चुका हूँ, बट इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बट ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पता नहीं होगा तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एसपी है। ठीक है, मेरे बातों को हल्के में मत लेना, चलेगा? अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाता। आपको रियलाइज होगा धीरे धीरे, जैसे हम आगे जाएंगे, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यू विल रियलाइज। सो भाई एक काम करो, बाकी टॉपिक्स रहने दो, ट्रिग्नोमेट्री जरूर करना। 12-12 क्वेश्चन तक पूछ चुका है एसपीआई ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, सो जिनका ट्रिग्नोमेट्री वीक है, आज के लिए आपके ये लेक्चर है। अगर आपको लगता है कि मुझे लेक्चर थोड़ा कम समझ में आ रहा है, सर आप बहुत फास्ट सिखा रहे हो, फास्ट तो सिखाना पड़ेगा, देयर इज नो डाउट। आप एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए। कुछ लोगों ने मुझे बोला था सर कि लेक्चर समझ में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं बोला वापस देखो, है ना। सो उन्होंने जब वापस देखा वीडियो, एट दैट टाइम दे रियलाइज कि यस इट्स क्वाइट इफेक्टिव, है ना। चलेगा, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी विल स्टार्ट द लेक्चर विच इज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर होने वाला है, राइट, थोड़ा एडाप्ट होने के लिए मुझे भी टाइम लगेगा। सो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर जो होने वाला है, सो उस लेक्चर सीरीज में, ट्रिग्नोमेट्री के ओवरऑल लेक्चर सीरीज में हम 1, 2, 3 कलर आई चूज इज व्हाइट, राइट। सो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने वाले हैं, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एंड थर्ड इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। सो एक बात समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, जो सेकंड लेक्चर होगा वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे, थर्ड लेक्चर इज हाइट्स एंड डिस्टेंस, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो ये थर्ड 3 वीडियोस हम कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे। और जैसे अगर आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि हमने क्या किया, स्टैटिस्टिक्स के 3 वीडियो बनाए, उसके बाद हमने एक जो वीडियो किया है वो वीडियो हमने जो किया है वो उसके एग्जांपल्स पे किया है। सो जो फोर्थ वीडियो आएगा दैट इज बेस्ड ऑन एग्जांपल्स, और ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आई डोंट नो आपने 10th में पढ़ाई किया या नहीं किया, शायद 10th में आपने बहुत सही से पढ़ाई किया होगा तो ये 3 वीडियो आपको या 3 चीज आपको पता होगी, लेकिन एग्जांपल सॉल्व करना इट्स ऑलवेज अ बेटर थिंग। ठीक है, आपको व्हाट कैन यू से इन अ वेरी बैड और ब्लंट वर्ड्स, आपको आपकी औकात पता चल जाती है। ठीक है, बिकॉज एग्जाम इज डिफिकल्ट, डिफेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो सर ट्रिग्नोमेट्री, सो बिफोर वी गो इनटू द ट्रिग्नोमेट्री लेट्स टॉक अबाउट सम एंगल्स। सो एंगल्स नाम का एक, शायद लाइंस एंड एंगल्स नाम का एक चैप्टर होगा आपको 9th क्लास में। ओके, सो उसकी जस्ट डिविजन करते हार्डली 5 मिनट्स में। ओके, सो एंगल्स, सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 लाइंस मैंने खींची है। ठीक है, यू कैन कॉल इट अ सेगमेंट एज वेल, लेकिन लाइन तो है बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्टेड डिस्टेंस फॉर इट। सो लेट्स से इस लाइन को मैं बोलूंगा इनिशियल लाइन, या फिर आई कॉल इट अ इनिशियल आर्म। समझ पा रहे हो भाई, इनिशियल आर्म। और वो जो लाइन है ना, इसे मैं बोलूंगा टर्मिनल आर्म, या फिर तुम फाइनल भी बोल सकते हो। ओके, सो सर समझने की बात क्या है इसमें, एक इनिशियल आर्म होगा, एक टर्मिनल आर्म होगा। जैसे जैसे ये इनिशियल आर्म है, जैसे जैसे टर्मिनल आर्म ऊपर जाएगा उसका एंगल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा भाई, एंगल बढ़ेगा। जैसे जैसे कम होगा एंगल कम होगा। सो इस मेजरमेंट को हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसे काफी चीजों से डिनोट किया जाता है, अल्फा से डिनोट किया जाता है, थीटा से डिनोट किया जाता है, गामा से डिनोट किया जाता है, मेनी वेज है कि नहीं, लेकिन इसे बोलेंगे हम एंगल। सो इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म, जैसे जैसे टर्मिनल आर्म बढ़ेगा एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे टर्मिनल आर्म कम होगा एंगल कम होगा। अब there are two ways of thinking, है ना, दो चीजें हम समझना चाहिए हमें। इसको मैं initial arm I बोल देता हूँ, इसको terminal arm T बोल देता हूँ, चलेगा। अब ये initial arm ऊपर, initial arm fix है और terminal arm ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब जो movement हो रही है ना, that movement is, ये जो movement हो रही है, that movement is anti-clockwise। कौन सी movement है भाई, anti-clockwise। So अगर movement anti-clockwise है ना, तो उसे positive angle बोलेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा initial arm है, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, एकदम चिल करके पढ़ो, बहुत मजे करने वाले। ये हमारा इनिशियल आर्म है और अभी टर्मिनल आर्म नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब ऐसे खुल रहा है वो, समझ पा रहे हो। तो ये जो एंगल हो गया ना, ये हो गया निगेटिव एंगल, तो कोई टेंशन नहीं यार, ये एंगल अगर सेम भी दिख रहे हो, ये अगर प्लस 30 डिग्री होगा ना, तो ये हो जाएगा -30 डिग्री। क्या हो जाएगा भाई, -30 डिग्री। अगर एंगल तुम एंटी क्लॉकवाइज देखते हो, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, सो आंसर पॉजिटिव आएगा। और क्लॉकवाइज अगर है, ठीक है, इफ इट इज क्लॉकवाइज आंसर आएगा नेगेटिव। बात समझ पा रहे हो ना, आसान है भाई, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, राइट, सिर्फ उल्टा है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव में पकड़ना, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल। ठीक है, ओके, चलेगा, राइट। सो
ठीक है, सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स. तो सिंपल सी बात है, द वेरी फर्स्ट एंगल इज एक्यूट एंगल. देख पा रहे हो, इट्स एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल मतलब क्या है? ऐसा एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता है. 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता है उसे बोलेंगे हम एक्यूट एंगल. ठीक है, द नेक्स्ट इज राइट एंगल. राइट एंगल मतलब जो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होगा, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होगा वो होगा हमारा राइट एंगल. उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल. राइट, सो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा सर? ऑब्ट्यूस एंगल मतलब ऐसा एंगल भाई जो 90 डिग्री से बड़ा है, जो 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है. समझ पा रहे हो भाई? ओके, सो ऑब्ट्यूस एंगल. उसके बाद वी हैव अ स्ट्रेट एंगल एंड उसके बाद वी हैव अ रिफ्लेक्स एंगल. सर स्ट्रेट एंगल क्या होता है? सिंपल सी बात है यार, 180 डिग्री अगर होगा, स्ट्रेट लाइन जो भी एंगल बनाता है, लेट्स से ये पॉइंट है, यहां से ये इनिशियल आर्म हो गया, टर्मिनल आर्म यहां तक आ गया, तो स्ट्रेट लाइन बन गया, तो ये हो गया 180 डिग्री. कितना हो गया भाई? 180 डिग्री. 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे. एंड देयर इज अ रिफ्लेक्स एंगल एज वेल. सर क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल? एक झटके में समझा दो, ध्यान दो. सिंपल सी बात है, आई होप आप यहां पे देख पा रहे हो, ये मेरा टर्मिनल आर्म है और ये मेरा इनिशियल आर्म है और ये मेरा टर्मिनल आर्म है. तो इसमें कुछ ना कुछ एंगल होगा भाई, थीटा, बराबर है कि नहीं? बट किसने बताया कि जो एंगल बनता है ये दोनों के बीच में बनता है? एंगल इधर भी तो बन सकता है. सो आप कभी भी अगर देखोगे तो हमेशा दो एंगल्स बनेंगे. ठीक है, अगर ये एक एंगल है तो दूसरा एंगल ये है. राइट, सो एक एंगल हमेशा 180 से छोटा होगा और एक हमेशा 180 से बड़ा होगा. सो ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल्स. ठीक है, सो ये एंगल्स है. लेट्स गेट इनटू ट्रिग्नोमेट्री नाउ. ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? बहुत आसान भाई. लेट्स से पहला एंगल है अल्फा और दूसरा एंगल है बीटा. अल्फा डिग्री, बीटा डिग्री. समझ में आया? राइट, मैं नाम दे दिया, तुम सलमान खान, शाहरुख खान भी दे सकते हो. मैंने अल्फा डिग्री, बीटा डिग्री दे दिया. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसा एंगल जिनका एडिशन आता है 90 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे एंगल जिनका एडिशन आता है 90 डिग्री, है ना? कोई भी दो एंगल का एडिशन कर दो भाई, 90 डिग्री आ गया ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, भाई दोनों का एडिशन क्या आता है? 90 डिग्री. बोल दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट्स ऑल. राइट, सो सर सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सिंपल बात है यार, अल्फा डिग्री प्लस बीटा डिग्री का एडिशन अगर 180 आता हो, 90 आता हो तो कॉम्प्लीमेंट्री, 180 आता हो तो सप्लीमेंट्री. बताओ 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री का एडिशन क्या आएगा? 180 डिग्री. तो 120 डिग्री एंड 60 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर. ठीक है, व्हाट योर लैंग्वेज यू वांट यू कैन प्रीफर. ओके, चलेगा. तो भाई इतना समझ में आ गया. Now let's talk about trigonometric ratios. अब आएगा मजा. ठीक है, सो trigonometric ratios आराम से सीखते हैं, फोड़ फोड़ के सीखते हैं. ठीक है, trigonometry, ट्राई बोले तो क्या होता है भाई? तीन. गोनल मतलब साइड्स. ठीक है, मेट्री मतलब ज्योमेट्री. ठीक है, रेशियोज तो आपको पता होगा, समथिंग अपॉन समथिंग, इट इज नोन एज रेशियो. ठीक है, तो सर समझने की बात क्या है इसमें भाई? समझने की बात यह है कि तीन साइड्स की जो ज्योमेट्री होती है उसके रेशियोज. आप बोलोगे सर थोड़ा ऊपर से आ रहा है, कोई टेंशन मतलब यार, ट्रिग्नोमेट्री मतलब तीन साइड वाला क्या होता है? ट्राइंगल. तो उसकी ज्योमेट्री है ना, और रेशियोज मतलब उस ज्योमेट्री के कौन से रेशियोज आ सकते हैं. तो भाई एक ट्राइंगल में बेसिकली साइड्स कितने होते हैं? लेट्स से ये मेरा ए साइड है, ये मेरा बी साइड है, और इस साइड को मैं बोल दिया नाम सी. क्या बोल दिया भाई? नाम सी. बहुत आसान है, राइट, ए बी सी. ठीक है, चलेगा. चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, साइड ए है तो इसके अपोजिट में एक एंगल होगा. हर साइड के अपोजिट में एंगल होता है, देखो हर साइड के अपोजिट में एक एंगल, हर साइड में अपोजिट में एक एंगल, हर साइड के अपोजिट में एक एंगल. समझ पा रहे हो भाई? वापस से नाम देते हैं. तो लेट्स से एक काम करते हैं, इस वर्टेक्स को मैं नाम दे रहा हूं ए, इस वर्टेक्स को मैं नाम दे रहा हूं बी, इस वर्टेक्स को मैं नाम दे रहा हूं सी. समझ में आया भाई? तो एक काम करते हैं, ये हो गया मेरा एंगल ए, ये हो मेरा एंगल बी, इसको मैं 90 डिग्री पकड़ूंगा, और ये हो गया एंगल सी. ठीक है, तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है कौन से वर्टेक्स पे? बी पे. चलेगा, बहुत आसान है भाई. नाम दे दो जो साइड एंगल ए है उसके अपोजिट साइड को, नाम दे दो स्मॉल ए. तुम कुछ भी दे सकते हो, तुम पी क्यू आर भी दे सकते हो. ठीक है, जो साइड बी है उसको हम स्मॉल बी दे देंगे, जो एंगल सी है उसको हम स्मॉल सी दे देंगे. समझ में आया भाई? बहुत आसान. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़ा भी होगा 10th में, छह टाइप के होते हैं, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट. सर क्या होता है साइंस, क्या होता है कॉस? कुछ भी टेंशन मत लो,
चलेगा। लेट्स से ये जो एंगल है ना, इसको मैंने थीटा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? इस एंगल को मैंने नाम दे दिया थीटा। क्या नाम दे दिया भाई? थीटा नाम दे दिया। अब सारे लोग बात को समझो, अगर मुझे साइन थीटा निकालना होगा ना भाई, साइन थीटा मतलब थीटा का साइन ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर थीटा का साइन निकालना है तो क्या करोगे? क्या लिखा है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सर क्या अपोजिट क्या हाइपोटेनियस? ठीक है, तो सिंपल पार्ट है, अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो स्किप करो फटाफट, आगे जाओ, आगे बहुत मजा आने वाला है। चलेगा, तो साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। भाई मुझे एक बात बताओ, थीटा एंगल के लिए अपोजिट साइड कौन सी है? इसका साइन निकालना है। ये जो एंगल दिखा है ना, इसका साइन निकालना है। अगर जो भी एंगल का साइन निकालना है उसकी अपोजिट साइड लो, क्या है? ए। अपॉन उसका हाइपोटेनियस लो, हाइपोटेनियस क्या होगा? बी। सो साइन थीटा क्या हो गया? ए बाई बी। अब सारे लोगों को ध्यान रखना है, साइन थीटा का एग्जैक्टली उल्टा, साइन थीटा का एग्जैक्टली रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। जो भी साइन थीटा है ना उसका उल्टा कर दो, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा होगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। मतलब साइन थीटा अगर ए बाई बी होगा तो कोसेक क्या हो जाएगा? बी बाई बी। बहुत आसान, समझ में आया भाई? सो साइन थीटा कोसेक थीटा समझ में आया? ठीक है, ओके, वंडरफुल। चले अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी कॉस थीटा। सेम तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, है कि नहीं? लेट्स से अभी नाम चेंज कर देंगे इसको, पी एंगल क्यू एंगल आर एंगल कर देंगे, क्यू पे है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और एंगल पी को मैं बोल रहा हूं थीटा, एंगल पी को मैं बोल रहा हूं थीटा। तो ये अगर एंगल पी है तो ये स्मॉल साइड पी है ना, अगर ये क्यू है तो ये स्मॉल साइड क्यू, और ये आर है तो ये स्मॉल साइड आर। ठीक है भाई, मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। वैसे ही कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो दोनों में नीचे हाइपोटेनियस ही है, लेकिन उधर अपोजिट साइड ऊपर था, इधर एडजेसेंट साइड ऊपर है। तो भाई थीटा के लिए किसका थीटा निकालना है, सॉरी किसका कॉस निकालना है? थीटा का, कॉस ऑफ थीटा। सो थीटा के लिए एडजेसेंट साइड मतलब साइड वाली है ना, जस्ट साइड वाली, एडजेसेंट मतलब बाजू वाली, ठीक है। थीटा के लिए बाजू वाली साइड कौन सी है? आर, क्योंकि एक तो है हाइपोटेनियस, सो ये बन गई अपने आप आर, ठीक है। सो थीटा के लिए एडजेसेंट साइड होगी आर और हाइपोटेनियस होगी क्यू। सो इसका आंसर क्या आएगा भाई? आर अपॉन क्यू। समझ पा रहे हो? अंडरस्टूड? साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा सेक, आई एम सॉरी, साइन का उल्टा कोसेक, वैसे ही कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा होता है, मतलब साइन थीटा का उल्टा करो तो कोसेक मिलेगा, वैसे ही कॉस थीटा का उल्टा करो तो सेक मिलेगा, वैसे कॉस थीटा का उल्टा करो तो सेक मिलेगा, ठीक है। तो कॉस थीटा इज आर बाई क्यू, तो सेक थीटा क्या आएगा भाई? क्यू बाय आर। कितने को समझा? समझ में आ रहा है? ओके, तो साइन हो गया, कॉस हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टैन थीटा, राइट? सो टैन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा इज नथिंग बट, सॉरी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बराबर है? सो साइन का फॉर्मूला जस्ट हमने देखा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सेम कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वही तो लिखा है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। चलो इसको ले लो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इस एंगल को मैं बोल रहा हूं थीटा, ठीक है। एंगल ए है कि अपोजिट साइड को मैं ए नाम दे रहा हूं, तुम कुछ भी दे सकते हो, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन भी दे सकते हो, लेकिन इरिलेवेंट लगेगा, ठीक है। तो ये अगर एंगल बी है मेरा तो उसके अपोजिट साइड को स्मॉल बी नाम दे दो, ये है एंगल सी मेरा तो इसके अपोजिट साइड को स्मॉल सी नाम दे दो। तो क्या लगता है भाई टैन थीटा क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या होगा टैन थीटा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा का टैन निकालने का है तो थीटा क्या, टैन क्या बोलता है भाई? पहले अपोजिट साइड लो, कौन है भाई? ए ले लो, ए अपॉन एडजेसेंट साइड लो, एडजेसेंट कौन होता है? सी। एडजेसेंट इसको मत बोल देना, यह हाइपोटेनियस है, ठीक है, हाइपोटेनियस छोड़ के जो होता है वो एडजेसेंट, ठीक है। सॉरी, टेक इट एज अ सी। कितने लोगों को समझ में आ गया? ओके, सो साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, वैसे ही टैन का उल्टा कॉट। तो टैन अगर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होगा तो कॉट एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, मतलब अगर ये ए बाई सी होगा तो इसका आंसर आएगा सी बाई ई। समझ में आया? बहुत आसान है ये, बहुत बेसिक है, आई होप ये तो सबको ही पता होगा। चलेगा, नाउ लेट्स गेट इनटू इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, चलेगा, क्या हो गया? आराम से
आपके हिसाब से ही चलेंगे, बस आराम से काम करो। अरे ये देखो है ना, इसीलिए यूज करना डेंजर। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियोज जो हमने बात किया था, साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? रुजा भाई, साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? 1/cos थीटा का, है ना। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इट इंप्लाइज कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? साइन का। साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन। ये पेन स्ट्रेट है, इसको उल्टा करके वापस से उल्टा करोगे तो स्ट्रेट ही होना है। ठीक है, तो साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन। ठीक है, सेम कॉस का उल्टा क्या होता है भाई? 1/sec। ये फॉर्मूलाज है, तुम लिख सकते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। तो वैसे ही sec थीटा को क्या लिखोगे मेरे भाई लोग? 1/cos थीटा। ठीक है, वैसे ही tan थीटा क्या होता है भाई? 1/cot थीटा। तो इट इंप्लाइज cot थीटा क्या होगा रे? 1/tan थीटा। समझ पा रहे हो भाई? वी आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते ही है। ठीक है, आगे जाके तुमको जबरदस्त मजा आने वाला है। ठीक है, आई होप तुम टिके हो लेक्चर में, है ना। सो पाइथागोरस थ्योरम ये आपने पढ़ा होगा, मैं एक सेकंड में रिवाइज कर देता हूं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? उसका एक जो एंगल होता है वो होता है राइट, मतलब 90 डिग्री। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये लेट्स से ए है, ये लेट्स से बी है, और ये हो गया फिर सी। ठीक है, ए एंगल ए की अपोजिट साइड है ना स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, और एंगल सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें का एक एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो उस एंगल की जो अपोजिट साइड होगी उस वो कहलाएगी हाइपोटेनियस। क्या कहलाएगी वो? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, बराबर है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? अगर जो सबसे बड़ी साइड है ना हाइपोटेनियस, तुम उसका स्क्वायर करोगे ना तो इक्वल आएगा जो बची कुछ दो साइड है उनके स्क्वायर के एडिशन। कितना कितना आसान है देखो। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। एग्जांपल के तौर पे अगर और लेना चाहे, लेट्स से इस साइड को मैं पी नाम दे रहा हूं, इस साइड को मैं क्यू नाम दे रहा हूं, इस साइड को मैं आर नाम दे रहा हूं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा? सबसे बड़ी साइड कौन सी है? आर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बहुत मस्त, राइट और रॉन्ग। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम, जहां पे एंगल राइट एंगल ट्रायंगल इधर है। सर ऐसे रियल में होता है क्या? होता है ना, राइट। सपोज एक साइड होगी तीन, एक साइड होगी चार, तो अपने आप ये साइड कितनी आ जाएगी? मुझे पता नहीं, लेट्स से मैं इस साइड को आर नाम दे देता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। फोर स्क्वायर कितना आएगा? 16। थ्री स्क्वायर कितना आएगा? 9 इज इक्वल टू 25। तो आर स्क्वायर आ गया 25, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, सो ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सर क्यों लगाते हैं? अब आएगा मजा, इसके बाद सारे क्वेश्चंस देने वाला हूं मैं, और आपको जबरदस्त समझ में आने चाहिए सारे क्वेश्चंस। ओके राइट, सो चलो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई मेरे। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, साइन ए, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 फाइंड कॉस ए एंड टैन ए। कुछ नहीं डरने का, सीधा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए साइन ए इक्वल टू 3/5 क्या करने का? फट करना, एक ट्रायंगल लेने का, साइन ऑफ एंगल ए, तो इस एंगल को ए नाम दो। समझा क्या? सर मैं इसको दिया तो चलेगा क्या? दौड़ेगा। इसको दिया तो चलेगा क्या? ना, इसको दोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और साइन 90 इज 1। ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। तो कुछ भी मत करो, वेन एवर यू हैव क्वेश्चन, ध्यान है आप लोगों का, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिख गया कि साइन ए की वैल्यू 3/5 दे रही है, मुझे अगर ऐसे क्वेश्चन दिख गया तो मुझे मजा आना चालू हो जाता है। ठीक है, सो साइन इज इक्वल टू 3/5, तो क्या करूंगा मैं? जब भी साइन इक्वल टू 3/5 आएगा मैं ट्रायंगल निकाल लेगा। ठीक है, उसमें के ये या ये दोनों में से किसी को एक नाम ए दे दूंगा, चलेगा। अब साइन क्या होता है? साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ा? साइन जो भी होता है वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर ये मेरा एंगल ए है तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी, अपोजिट साइड वो कितनी होगी रे? 3 अपॉन 5 क्या होगा हाइपोटेनियस। कितनों को समझा वापस से? ठीक है, अब देखो क्यों इतने बार समझा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। साइन ए का वैल्यू देकर रखा है 3/5, लेकिन साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब दिमाग लगाओ, अगर मैं कोई एक ट्रायंगल खींचता हूं और किसी को भी ए नाम दे देता हूं, ठीक है, तो इस हिसाब से अगर इसका मुझे साइड निकालना है तो इसके लिए मुझे अपोजिट साइड लेनी पड़ेगी। क्या, कौन सी साइड लेनी पड़ेगी? अपोजिट, उसको मैं नाम दे दूंगा 3 अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सी है? सबसे लंबी वाली साइड, ये 5। ठीक है, और हमें निकालना है कॉस ए। तो भाई मुझे तुम खुद बता दो यार, कॉस ए क्या होता है?
कॉसे होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट सर? यस यू आर एग्जैक्टली राइट. सो कॉसे इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. तो कॉसे की अगर मैं बात करूं तो कॉसे का वैल्यू क्या होगा भाई, एडजेसेंट जो कि ये साइड होती है, हाइपोटेनियस तो पता है तो ये साइड निकाल सकते हो डेफिनेटली. क्यों नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा यार. पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ये साइड को अगर कुछ नाम दोगे तुम, लेट्स से मैं इसको नाम पी दे रहा हूं तो इट विल बी पी का स्क्वायर. सो 5 का स्क्वायर इज 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस पी का स्क्वायर. तो 25 में ये प्लस 9 है इधर भेज दिया तो 25 माइनस 9 इज 16, 16 इक्वल टू पी स्क्वायर, पी इक्वल टू 4. आप बोलोगे सर माइनस 4 क्यों नहीं आएगा भाई, साइड ऑफ माइनस 4 कैसे होगी, डिस्टेंस तो पॉजिटिव रहेगा ना, तो पी का वैल्यू आ गया 4. लिख दू यहां पे 4, चलो कोई अलग कलर में लिखता हूं, येलो पेन में लिखता हूं, ठीक है. सो दिस साइड विल बिकम 4. अब कॉस ए क्या बोलता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. तो ए के लिए एडजेसेंट कौन है, 4, हाइपोटेनियस कौन है, 5. कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी 4/5. इट इज एज सिंपल एज दैट भाई, इट इज एज सिंपल एज दैट. सर बताओ जरा टैन ए क्या आएगा, आप ही बताओ टैन ए का फॉर्मूला क्या है. टैन ए क्या बोलता है, तुमने लिखा होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो आई कैन नॉट हेल्प यू, छोड़ दो ये वीडियो इतना, ठीक है. अगर आपने सारा लिखा है इसके पहले का तो आपको समझ में आना चाहिए. टैन ए कोई भी एंगल का अगर टैन निकालोगे तो टैन क्या बोलता है भाई, तेरे अपोजिट साइड ले, चल तेरे अपोजिट साइड ले, कौन सी है तेरी अपोजिट साइड, 3 अपॉन भाई एडजेसेंट साइड ले, एडजेसेंट साइड कौन सी, 4. बस यही टैन है. इतना आसान है, समझ में आया. चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन. अब मैं एक्सप्लेन करने के पहले तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि तुम में काफी लोग बहुत टैलेंटेड है. चलेगा भाई, ओके. देखो मैंने इतनी मेहनत करके उधर ट्रायंगल भी निकाल के रखा है. चलो सो हमेशा अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कॉसेक ए इज इक्वल टू रूट 10, ऐसे क्वेश्चन आता है तो सीधा ट्रायंगल निकालो, निकाल लिया भाई, और किधर भी एक नाम दे दो ए. चलो मैं इसको नाम दे दिया. कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा. साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट. तो सर हाइपोटेनियस कॉसेक ए की वैल्यू देकर रखिए रूट 10 अपॉन कुछ भी नहीं है, मतलब 1 ले लो, है कि नहीं. और कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए इज हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट. तो ये हो गया मेरा हाइपोटेनियस, ये हो गया अपोजिट. तो लिख लो भाई ट्रायंगल में, देखो यार कॉसेक ए निकालना है तो ऊपर रूट 10 हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो जो भी हाइपोटेनियस है उसको रूट 10 बोल दो. एंड अपोजिट साइड, ए का अपोजिट साइड कौन सा है, वो कितना आएगा, 1 आएगा. तो भाई ये रूट 10 हो गया, वो 1 हो गया, ये कितना आएगा, कैसे करोगे, पाइथागोरस जी, है ना, पाइथागोरस जी ने इतना बड़ा पाइथागोरस थ्योरम देके रखा हुआ है ना. सो अगर एक हाइपोटेनियस दिया है, एक साइड दिया है, तो ये हमें निकालना है, राइट. जैसे लास्ट टाइम हमने कुछ जुगाड़ किया था हनुमान जी का क्वेश्चन, इस वक्त हम लिखेंगे चार्ट में जय पाइथागोरस जी, ठीक है. क्या लिखना है भाई, जय पाइथागोरस जी लिखना है, जी मत बोलना बेटा, रिस्पेक्ट देना उनको, ठीक है. देखते कितने लोग देख पा रहे हैं इसको, देख रहे वीडियो को, इससे मजा आता है मेरे तो, आई गेट अ स्माइल, है ना, व्हेनेवर आई सी दोस कमेंट्स आई गेट अ स्माइल, ठीक है. सो ये ए साइड है भाई, तो कोसेक ए इज हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनियस को लिख दिया रूट 10, अपोजिट को लिख दिया 1, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा भाई, रूट 10 का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एक साइड, इसको मैंने क्या नाम दे दू, कुछ भी दे दो यार, पी नाम दे दो, पी का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड 1 का स्क्वायर, रूट 10 का स्क्वायर इज 10, पी का स्क्वायर प्लस 1, प्लस 1 इधर आके क्या होगा, माइनस 1, 10 में से एक चला गया 9, सो 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर. So, P का वैल्यू क्या आएगा, प्लस 3, माइनस 3 आएगा क्या, साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो P का वैल्यू आएगा प्लस 3. सो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, भाई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने, कोई बात नहीं सर, डरते हैं क्या, चलो निकालो फटाफट. साइन थीटा क्या आएगा रे, साइन थीटा निकालने के लिए कुछ जरूरत है क्या तुम्हें, ना, क्यों, कोसेक ए का उल्टा साइन नहीं होता है, कोसेक इज रूट 10, तो साइन साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1/√10, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है, चलेगा. वैसे ही मुझे बताओ कॉस थीटा क्या आएगा, सो भाई कॉस थीटा बहुत आसान होता है यार, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. तो ए के लिए एडजेसेंट कौन है, 3, अपोजिट कौन है, सॉरी माय बैड, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, राइट. मैं कंफ्यूज हो रहा हूं तो आप तो कंफ्यूज होना, इट्स नॉर्मल, ठीक है, चलेगा. सो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट, सो 3/√10. तो भाई कॉस पता चल गया 3/√10, भाई मुझे एक बात बताओ, सेक पता कर पाओगे क्या, भाई कॉस का उल्टा सेक, तो रूट उसका उल्टा कर दो, √10/3, साइन हो गया, कॉसेक हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, चलो टैन निकाल दे भाई, टैन, टैन क्या बोलता है,
जो भी एंगल का टैन निकालना है उसका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जो भी एंगल का टैन निकालना है उसका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 1/3 इज द टैन। भाई तुम खुद बता दो यार, टैन इज 1/3, कॉट क्या होगा? कॉट होता है टैन का उल्टा, 3/1 व्हिच इज 3। कितने लोगों को समझ में आया? तो सिर्फ कोसेक दिया हुआ था, कॉस साइन निकल गया, कॉस निकल गया, सेक निकल गया, टैन निकल गया, कॉट निकल गया, पूरा निकल गया, पूरा कायनात निकल गया, निकला नहीं निकला? वेरी गुड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा भाई, बहुत मेहनत करा रहा है यार ये बंदा, ठीक है चलेगा। अब साइन बी देके रखा है, लास्ट टाइम ए एंगल दिया था, अब बी दिया हुआ है, कोई डर नहीं, इसको बी एंगल दो। सर अब इसको क्यों ले रहे हो? उसको ले लो, मेरा ये फेवरेट है, ऐसे कुछ नहीं है, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। सो बी को हमने ले लिया, चलेगा। साइन बी, साइन बी क्या होता है भाई? अपोजिट। साइन जब भी आता है तो ऊपर वाला बंदा बन जाता है अपोजिट, नीचे वाला बंदा बन जाता है हाइपोटेनियस। सो अपोजिट, बी के अपोजिट कौन है पे? 1। हाइपोटेनियस कौन है? 2। ये 2 है, ये 1, ये कैसे निकालोगे? जय पाइथागोरस जी, बराबर है। सो करो फटाफट, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू उसका स्क्वायर पर इसका स्क्वायर, इसको आर नाम दे दो। क्या दोगे नाम? आर। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू उसका स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, चलेगा। 2 का स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 इधर भेज दो यार, 4 माइनस 1 इज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू 4 में से एक चला गया 3, तो आर इज 3, तो सॉरी आर स्क्वायर 3 आ गया, तो आर इज रूट 3। आर की वैल्यू कितने है भाई? रूट 3। कितने आर की वैल्यू? रूट 3। तो यहां पे मैं रूट 3 लिख रहा हूं, चलेगा। तो अब निकालना क्या क्या देखना, निकालना ये है 3 cos b, लिखो यहां पे 3 cos b माइनस 4 cos cube b, 3 cos b माइनस 4 cos cube b, इसका आंसर 0 आना चाहिए, शो दैट लिखा हुआ है, मतलब ये 0 आना चाहिए, प्रूव करना है, कोई टेंशन नहीं यार। 3 cos b क्या आएगा? cos b, cos क्या बोलता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यही बोलता है ना, cos एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, डालो cos की वैल्यू, एडजेसेंट इज √3 अपॉन हाइपोटेनियस इज 2 माइनस 4 cos cube b, cos b √3/2 आया, तो cos क्यूब क्या होगा? इसका क्यूब कर दो भाई, √3/2, ये √3 है, बाय 2 का मुझे क्यूब करना है, चलो करो फटाफट, ये आ जाएगा 3√3/2 माइनस, है कि नहीं, 4 इंटू 2 का क्यूब कितना होगा? 8, राइट। और क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब, क्या पूछा हुआ इन्होंने? क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब, मतलब 3 बार क्यूब रूट, भाई √3 इंटू √3 3, सो 3 √3 बराबर है। सो क्यूब रूट ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्यूब इज 3√3। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो समझ लो, चलेगा। ऑलराइट, सो 4 कट गया, यहां पे 2 आ गया, सो यहां पे क्या बचा? 3√3/2 माइनस, यहां पे भी क्या बचा? 3√3/2, उसमें से वही च माइनस हो गया, आंसर क्या आएगा भाई? 0, वही तो प्रूफ करना था, नहीं चलेगा? आसान है, चल आसान है, आपको आसान लग रहा तो बात खत्म, चलेगा। ओके ये क्वेश्चन भी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, भाई लिख लो। मैंने तो आज तक ऐसे एसपीआई का पेपर देखा नहीं है जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री यूटिलाइजेशन ना हुआ हो। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, मैंने अब तक ऐसे एसपीआई का पेपर देखा नहीं है जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का यूज ना हुआ हो, है ना। सो कोई भी एसपीआई का पेपर रहने दो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा मतलब इनकी वैल्यूज तुमको पता करनी पड़ेगी, चलेगा राइट। सो ये क्या है भाई? 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री ही कहा जाता है, या फिर 0 रेडियन भी लिख सकते हो तुम। 30 डिग्री को लिखा जाता है भाई पाई बाय 6, है कि नहीं राइट। ये डिग्रीज में होता है, ये रेडियंस में होता है। अगर तुम 9th में तुमने किया है लाइंस एंड एंगल्स तो आपको ये पता चला होगा, अगर नहीं तो याद कर लो। 30 डिग्री को ये भी लिखा जाता है, 30 डिग्री कैन बी रिटन एज पाई बाय 6, 45 डिग्री कैन बी रिटन एज पाई बाय 4, ठीक है, 60 डिग्री कैन बी रिटन एज पाई बाय 3 एंड 90 डिग्री कैन बी रिटन एज पाई बाय 2, ठीक है। और अगर यहां पे 180 डिग्री भी होता, अगर 180 डिग्री भी होता तो उसको लिखा जाता है पाई। सो पाई मतलब 180, तो 180 का आधा 90, तो पाई का आधा पाई बाय 2। 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो 60 मिलेगा, तो पाई को 3 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा। 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो 45 मिलेगा, तो 4 से ही करो,
ठीक है, तो ऐसे लिख लो, 0 डिग्री को बोला जाता है 0 रेडियन, 30 को बोला जाता है पाई बाय 6, 45 को पाई बाय 4, 60 को पाई बाय 3, 90 को पाई बाय 2, 180 को पाई। अब इनके निकालने अपने को रेशियो, अब इसका प्रूफ है ना सर, आप क्या रिफर करते हो, आई रिफर एनसीईआरटीज, आई रिफर आरडी शर्मा एंड मेनी मोर बुक्स, बट यू आर नॉट सपोज टू गेट इनटू इट। ये बहुत बेसिक है ना, आपको पता तक नहीं है कि 11th 12th में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, है ना। सो आपको साइन थीटा का ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, कॉस का ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, टैन का ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, कॉट का ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, और रियल मजे तो तब चालू होंगे, ठीक है, चलेगा। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है, तो ये आपने देखा होगा। सो मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है और मैंने कैसे याद रखा है। अब सर जी का मुखड़ा थोड़ा काला पड़ गया होगा, पहले ही काला है और थोड़ा पड़ा होगा, नॉट अ प्रॉब्लम। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ इन एंगल्स के बारे में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो सर कैसे निकालोगे, तो बहुत आसान है भाई, मैंने ऐसे याद रखा है, मैं स्ट्रेट अप याद किया है इन चीजों को। सर कैसे, देखो साइन जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, फिर साइन 30 डिग्री होता है ना 1/2, फिर 45 होता है ना 1/√2, मतलब 2 से बन जाता है वो √2, ठीक है, फिर साइन 60 जो होता है ना वो होता है √3/2, और साइन 90 जो होता है ना वो होता है 1। इतनी चीजों को आपने याद करनी ही चाहिए, बात समझ पा रहे हो भाई। साइन 0 अगर एक लाइन भी याद रखोगे ना पूरी दुनिया याद हो जाएगी तुम्हें, आई एम टेलिंग यू, एक लाइन भी याद रखोगे पूरी दुनिया याद हो जाएगी। देखो यार साइन 0 लिखो यहां पे, कहां पे लिखो, यहां पे लिखो साइन जीरो, दिख रहा है तुम्हें, साइन जीरो का वैल्यू हमेशा जीरो होता है, ठीक है, अलग पेन से लिख सकते हैं ना, ग्रीन पेन से लिख देता हूं बाहर, साइन जीरो का वैल्यू हमेशा जीरो होता है और साइन 90 का वैल्यू हमेशा वन होता है। ये दो चीजों भी याद रखती है ना, तो आधा से ज्यादा काम तुम्हारा इजी हो गया। तो भाई मुझे एक बात बताओ, साइन जीरो का वैल्यू क्या है, साइन जीरो इज जीरो, साइन 90 इज वन, समझा। तो बीच में के तीन वैल्यू तो याद रखने यार, साइन 30 डिग्री आधा, साइन 45 30 के आगे 45, तो 45 को बस 1/2 है ना, तो नीचे 1/√2 कर दो, ठीक है, और साइन 60 √3/2, ये एक लाइन भी याद कर दिया, पूरा कायनात याद हो गया। सर कैसे, ऐसे कैसे बोल रहे हो, समझ जाएगा 2 सेकंड के अंदर। भाई मुझे एक बात बताओ, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, चलेगा। तो क्या करोगे, साइन 0 0 है तो 0 का उल्टा इज 1/0 व्हिच इज नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड है भाई, 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0 ये नॉट डिफाइंड होता है, आंसर नहीं आता 1/0 का, इसलिए नॉट डिफाइंड बोलते हैं, चलेगा। तो भाई साइन 30 क्या आया, 1/2, तो कोसेक 30 क्या आएगा, भाई का उल्टा 2, साइन 45 क्या आता है, 1/√2, कोसेक 45 क्या आगा, भाई का उल्टा √2, साइन 60 डिग्री कितना आता है, √3/2, कोसेक 60 कितना आएगा, उल्टा 2/√3, ठीक है, राइट। अब ब्राइट लाइट नीचे से बहुत ज्यादा ना, तो मुझे देख नहीं पा रहे होगे, बट दैट्स टोटली ओके। सो भाई मुझे एक बात बताओ यार, साइन 90 कितना आता है, 1 का उल्टा भी क्या आएगा, 1/1 क्या आएगा, 1 ही आएगा, समझ में आया। तो अगर साइन याद कर लोगे तो तुम्हारा कॉसेक तो ऐसे याद हो गया। क्या करोगे पता है, आज 3 बार प्रॉमिस कर रहा हूं तुम्हें, 3 से 5 बार, कुछ लोगों को 3 बार में हो जाएगा, 5 बार, 3 से 5 बार ये टेबल भर दो खुद के मन से बिना देखे, ठीक है, गारंटीड याद होगा। और याद भी करना क्या है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो पता ही है, रहेगी बात 30 डिग्री, 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, चलेगा, राइट। सो नॉट डिफाइन 2√2, मतलब इनके उल्टा किया तो कॉस मिलेगा। सर कॉस कैसे निकालोगे, बहुत आसान, कॉस और साइन है ना ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ऐसे फिलहाल याद रखो, आपको मैं बता दूंगा कॉम्प्लीमेंट्री का क्या सीन होता है, ठीक है। सर बोले तो मतलब नहीं समझ में आया, मतलब एक झटके में समझ में आएगा, कैसे पता है, देखो सर साइन 0 कितना होता है, 0, तो कॉस 90 हो जाएगा 0, उल्टा, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल नहीं है, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे थे, मतलब रेसिप्रोकल थे। यहां पे ये लाइन अगर उधर से स्टार्ट होगी ना तो कॉस के लिए उधर से स्टार्ट होगी। जैसे कि मुझे एक बात बताओ, इसका 0 और उसका 90 का आंसर सेम होगा, तो भाई इसका 30 और उसका 60 का आंसर सेम होगा, बराबर है कि नहीं। तो भाई मुझे एक बात बताओ, साइन 30 कितना है, 1/2, तो उधर से कॉस 60 1/2 आएगा, मतलब देखो ना 0 और 90 का एडिशन कितना आता है, 90, तो उन दोनों का आंसर सेम है। 30 डिग्री और 60 डिग्री का आंसर कितना आता है, 30 और 60 मतलब 90, जिनका एडिशन 90 आता उनके वैल्यू सेम होते, फिनिश। साइन 30 1/2 है तो कॉस 60 1/2 है, तो सिंपल भाषा में अगर लिखना है तो ऐसे जा रहे हो ना, तुम ऐसे आ जाओ, मैं तो ऐसे ही आ सकता हूं भाई, साइन
45 1 by root 2 है तो ये भी 1 by root 2 हो जाएगा, ये root 3 by 2 है तो ये root 3 by 2 हो जाएगा, और वो 1 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं तो सीधा, मैंने एक लाइन याद रखा, मेरे सारे लाइन अपने आप याद हो गए। कैसे पता है क्या? मैंने सीधा याद रख लिया, साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है, 30 छोटा होता है ना, साइन का 30 1 by 2 आता है, 45 1 by root 2 आता है, root 3 by 2 आता है। फिर मैं कॉस का एग्जैक्टली उल्टा रखा है ना, कॉस 0 कितना आएगा भाई, जो साइन 90 है, ऐसे रिलेशन कर सकते हो। अब कॉस पता चल गया तो सेक क्या आएगा, कॉस का उल्टा है ना, कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 है तो सेक 0 डिग्री क्या आएगा भाई, 1 का उल्टा 1 आता है, रूट 3 बाई 2 का उल्टा क्या आएगा, 2 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 2 का उल्टा क्या आएगा, रूट 2, 1 बाई 2 का उल्टा क्या आएगा, 2, एंड 0 का उल्टा क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, कोसेक और सेक में कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, नॉट डिफाइंड 2 रूट 2 2 बाई रूट 3 1, तो इधर से देखोगे नॉट डिफाइंड 2 रूट 2 2 बाई रूट 3 1, ये ऐसे जाता है तो वो उधर से जाता है। ठीक है, सेम सर, टैन क्या होगा, टैन बहुत आसान, साइन अपॉन कॉस को करोगे तो टैन आएगा, तो साइन कितना है 0, कॉस कितना है 1, 0 अपॉन 1 0। ठीक है, कलर चेंज कर दूं, चलो कलर चेंज करेंगे, है ना, 0 अपॉन 1 0, फिर साइन है 1 बाई 2, कॉस है रूट 3 बाई 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा नीचे रूट 3 बचेगा, तो 1 बाई रूट 3। ये टेबल जो याद रखेगा वो बादशाह बन जाएगा, मैं बताता हूं कि ट्रिक्स कैसे यूज करने का, टेबल बताऊंगा तो चलेगा, राइट। सो थोड़ा दिमाग लगाओ, tan 45 कितना आएगा भाई, sin 45 कितना है 1 by root 2, cos 45 कितना है 1 by root 2, आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि 1 by root 2 1 by root 2 पूरा कट गया, root 3 by 2 1 1 by 2, ये 2 कटेगा ये 2 कटेगा, बचेगा क्या, root 3 by 1 मतलब root 3। ठीक है, 1 upon 0, 1 upon 0 क्या होता है, क्या बोला मैंने, 1 upon 0 क्या होता है, 1 upon 0 is not defined, बहुत आसान है। और सर फिर cot कैसे निकलेगा यार, आप ही बता दो यार, cot कैसे निकलेगा, tan का उल्टा, 0 का उल्टा इज 1 upon 0 which is not defined, 1 by root 3 का उल्टा इज root 3, 1 का उल्टा इज 1, root 3 का उल्टा इज 1 by root 3, उल्टा इज इन रेसिप्रोकल, उल्टा इज इन रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइंड का उल्टा इज 0, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड टेबल विच यू नीड टू रिमेंबर। जो बंदे इस टेबल को याद कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के पहले, मैं उनको बहुत भर भर के ट्रिक बताने वाला हूं, है ना बॉस, जब ये मेरे लेक्चर देखोगे ना। ठीक है, मैं प्रॉमिस तो नहीं करना चाहता, बहुत गलत हो जाएगा प्रॉमिस करना, लेकिन आई पर्सनली फील कि ये क्वेश्चन देखने के बाद तुम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एसबीआई के। ठीक है, राइट, ओके, तो दीज आर द वैल्यूज। अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा बाहर जाता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलेगा, आई होप तुम्हारा स्क्रीनशॉट हो गया होगा, नहीं तो आपका फोन ही बहुत स्लो है, चलेगा, राइट। तो ये टेबल कुछ भी कर लो याद करना है, 5-5 बार लिखो ये टेबल। ठीक है, और स्पेशली जो लोग टेस्ट सीरीज में दे रहे हैं, ठीक है, चैट विंडो में या कहीं तो आप वो रखा करो, और जो टेस्ट दे रहे हो सीरियसली टेस्ट दिया करो, है ना। आपने इतना करके यार, आपके पेरेंट्स ने 600-600 रुपए टेस्ट के लिए भरे हैं और आप टेस्ट ही नहीं दे रहे हो, क्या फायदा है ना, आपको पता नहीं होगा, वही टेस्ट अगर बाहर भेजने आता ना, मैं लंबा वाला बड़ा वाला टेस्ट सीरीज निकल सकता था। आप लोगों ने टेस्ट सीरीज बनाया, यू शुड यूटिलाइज इट, है कि नहीं, राइट, क्योंकि हम आके वहाँ पे फोर्स नहीं कर सकते टेस्ट दो टेस्ट दो टेस्ट दो, टेस्ट से आपको आपकी औकात पता चलेगी, है ना, औकात नेगेटिव वर्ड है लेकिन पता होना इंपॉर्टेंट है यार, वेयर डू यू स्टैंड, चलेगा, ओके, चल फटाफट चलो फिर अभी क्वेश्चन सॉल्व करते, ओके, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, करे सॉल्व, चलो 2 cos theta is equal to 2 cos 3 theta is equal to 1, तो भाई 2 को अगर नीचे भेज दूं तो क्या बचेगा, cos 3 theta क्या बन जाएगा, 1 by 2। मुझे एक बात बताओ, cos 1 by 2 कब आता है, आपके सामने टेबल होना चाहिए, अगर टेबल नहीं है पीछे जाओ, वीडियो पीछे करो और टेबल लिख लो पूरे पेज पे, अपने आप आंसर आ जाएगा। cos की वैल्यू 1 by 2 कब आती है, जब एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है, जब एंगल 60 डिग्री होता है भाई तब कॉस की वैल्यू क्या आती है, 1 बाई 2, बराबर है कि नहीं, साइन 30 1 बाई 2 तो कॉस 60 1 बाई 2, सो कॉस की वैल्यू 1 बाई 2 कब आएगी, जब एंगल 60 डिग्री बन जाएगा, मतलब जब 3 थीटा 60 डिग्री बन जाएगा, अगर 3 थीटा 60 डिग्री है तो थीटा कितना आ जाएगा, 60 बाई 3 विच इज 20 डिग्री इज द आंसर। आसानी है, नहीं है, थीटा की वैल्यू निकालनी थी, फाइन थीटा, तेजस सर बहुत आलसी है ना, सो फाइन थीटा, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, चलो देखो फटाफट, व्हाट इज द क्वेश्चन,
if theta is an acute angle and tan theta plus cot theta is equal to 2, tan theta plus cot theta is equal to 2, find the value of tan raised to 7 theta plus cot raised to 7 theta. अरे भाई ये तो डर लग रहा है यार, है ना, चलेगा, लेकिन अगर मैं दिमाग लगाऊं तो एक सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका। भाई मुझे एक बात बताओ, tan theta plus cot theta वैल्यू कितना आया? 2। अगर theta की वैल्यू 45 डाल दूं मैं, राइट, सो बता जरा tan 45 डिग्री क्या होता है, प्लस theta की वैल्यू मैंने कितना डाला है, 45 डाला है, ठीक है, सो cot 45 डिग्री, थोड़ा दिमाग लगाओ, tan 45 डिग्री इज 1 प्लस cot 45 डिग्री इज 1, आंसर इज 2। आंसर कितना है भाई, 2। tan theta plus cot theta का आंसर अगर 2 होगा, इसका मतलब tan की वैल्यू कितनी है, tan की वैल्यू कितनी है, 1, cot की वैल्यू 1, तो ये 1 प्लस 1 ये तभी जाके 2 बनेगा, लेकिन tan 1 कब बनेगा, जब theta की वैल्यू 45 होगी, इसका मतलब theta की वैल्यू कितना है, 45, theta की वैल्यू कितनी है, 45, तो ये पावर 7 तो डरो ही मत, tan 45 कितना होता है भाई, tan 45 का पावर 7 को प्लस cot 45 का पावर 7 को, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, 1 का पावर 7 इज 1, cot 45 कितना होता है, 1, 1 का पावर 7 इज 1, आंसर इज 2, ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर हियर, द आंसर इज 2, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज फॉर एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा, 1 cos थीटा प्लस sin थीटा इज 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3, ठीक है, थीटा निकालना है, व्हाट इज द एंगल थीटा, कुछ भी टेंशन मत लो, तुमने 8th या 9th में कंपोनेंट और डिविडेंडो की कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी, पढ़िए भाई कंपोनेंट और डिविडेंडो की कॉन्सेप्ट, इसको सॉल्व करने के और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन हम कंपोनेंट और डिविडेंडो यूज करेंगे, तो कंपोनेंट में जो क्या क्या करोगे, ऊपर में ऐड और नीचे में सब्सट्रैक्ट, तो कंपोनेंट और डिविडेंडो करो, वही क्या आंसर आएगा इसका, cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है, प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन, थोड़ा लेफ्ट में लिख लूं मतलब आसान हो जाएगा, और व्हाइट पेन से लिखता हूं, व्हाइट पेन लुक्स गुड, है ना, तो भाई देखो कंपोनेंट और डिविडेंड यूज करना है, तो पहले कंपोनेंट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, कंपोनेंट एंड डिविडेंड स्पेलिंग के वांदे होते सर के, ठीक है, सो पहले लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, फिर राइट हैंड साइड में करेंगे, कंपोनेंट कर लो भाई, मतलब कंपोनेंट और डिविडेंड पता है ना क्या होता है, अगर ए अपॉन बी है, इसको कंपोनेंट और डिविडेंड करना है, तो ए प्लस बी करना पड़ता है, ए माइनस बी करना पड़ता है, दिस इज कंपोनेंट और डिविडेंड, लेकिन लेफ्ट में करोगे राइट में भी करोगे, तो cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन अपॉन सेम cos थीटा माइनस sin थीटा, यहां पे क्या किया था भाई, प्लस यहां पे माइनस करोगे, माइनस cos थीटा सेम यहां पे करोगे, यहां पे पहले ऐड कर लो बाद में सब्सट्रैक्ट कर लो, 1 माइनस √3 प्लस 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 माइनस, चलो देखो जरा क्या हो रहा है अभी, इसमें माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा गयो, और यहां पे क्या गया, प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा गया, तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस दो बार साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री गया, प्लस वन माइनस वन गया, तो क्या बचा, वन प्लस वन टू अपॉन माइनस रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री, ग्रीन पेन लू, ग्रीन पेन लेता हूं, ठीक है, टू गया टू गया टू गया टू गया, माइनस कट गया माइनस कट गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा, और इधर क्या बचा है, वन बाय रूट थ्री, तो भाई कॉट थीटा वन बाय रूट थ्री कब होता है, काफी लोग अगर मेरे जैसे बंदा होता ना, विद इन सेकंड क्या करता पता है, क्योंकि मैंने इतनी चीजें याद रखना मुझे नहीं पसंद, तो मैं इसको टैन थीटा करता रूट थ्री, और टैन थीटा रूट थ्री कब होता है कि नहीं, 60 डिग्री पे, तो थीटा ही 60 डिग्री, तो सिंपल सी बात है यार, कॉट थीटा 1 बाय रूट 3 कब होता है, 60 डिग्री पे, कॉट थीटा 1 बाय रूट 3 कब होता है, 60 डिग्री पे, अब ये अगर आप पूछोगे कि सर कॉट थीटा 1 बाय रूट 3 कैसे आया, मार पड़ेगा बेटा, हैं, चलो क्वेश्चन सॉल्व करें, नेक्स्ट खत्म हो रहा है अभी लेक्चर, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो, इतना मस्त क्वेश्चन है, देखो अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हैज टू एंगल्स 60 डिग्री ईच, अ रोम्बस हैज ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, रोम्बस एक रोम्बस, रोम्बस देखा है ना, रोम्बस लुक्स लाइक काइट, लेकिन इसके सारे साइड सेम होते हैं, चलेगा, हैज टू एंगल्स 60 डिग्री ईच, अब एक साइड कितना देख रखा है भाई, 20 सेंटीमीटर, और रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हैज टू एंगल्स ऑफ 60 डिग्री ईच,
एक एंगल अगर उसका 60 डिग्री है तो उसका अपोजिट भी कितना होगा भाई 60 डिग्री, तो उसके दो एंगल जो देख रखे हैं 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, और बोला है कि डायगोनल का लेंथ बताओ यार, ये बोला हुआ है डायगोनल का लेंथ, ठीक है। सो अगर आपको पता नहीं होगा तो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। कहां पे काटते हैं? 90 डिग्री पे, चलेगा? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना, 90 डिग्री पे काटते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। अब हमें क्या करना है, लेंथ और डायगोनल, मतलब इसका पूरा लेंथ निकालना है। तो अभी मेरा डायग्राम अच्छे से निकला नहीं है, लेकिन इमेजिन कर लो ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये एंगल कौन सा है 90 डिग्री, क्लियर कट है भाई, उसमें क्या है 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये छोटा सा पूरा अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये होगा 60 डिग्री, चलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 60 डिग्री है ये 30 डिग्री है, थोड़ा डायग्राम अच्छे से निकालू क्या, और जस्ट सेकंड थोड़ा बड़ा निकाल लेता हूं, इसका यही प्रॉब्लम है। डायग्राम तो मेरे से डायग्राम अच्छे से एक्सपेक्ट मत करना, आई एम रियली बैड एट ड्राइंग, रियली बैड। तो रोम्बस के चारों साइड सेम होते हैं भाई, और हाँ डायगोनल का क्या सीन होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते, परपेंडिकुलर होते, बस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करते हैं। क्या करते हैं भाई, परपेंडिकुलरली कट करते हैं वो, चलेगा। और एक दूसरे को बाइसेक करते हैं, सेम नहीं होते हैं दोनों, ये और ये सेम नहीं होता है, बस बाइसेक करता है, मतलब अगर ये साइड जितना होगा उतना ही साइड ये होगा, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है यार। ये पूरा एंगल 60 देख रखा था, कितना दिया था ये पूरा एंगल 60 डिग्री, तो इसका आधा एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो अगर ये ट्राइंगल की बात करूं, ए बी और सी ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, तो सी पे तो 90 डिग्री है, चलेगा, सी पे तो 90 डिग्री है। अब क्या होगा देखना, ये 30 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है, और साइड ऑफ रोम्बस देख रखा है 20 सेंटीमीटर, और ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब तुम्हें निकालना क्या है, डायगोनल निकालना है, तो ये साइड भी अगर निकल गया, ये साइड भी अगर निकल गया, तो तुम उसको 2 मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, तो कैसे करोगे, ये 60 डिग्री है राइट, ये 20 पता है, तो ऐसा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लो जिसमें एडजेसेंट आता है और जिसमें हाइपोटेनियस आती है। तो एडजेसेंट कितना आएगा, एसी, तो कॉस 60, अगर मैं कॉस का 60 का कॉस ले लूं, cos 60 अगर ले लूं, है ना, तो cos क्या होता है adjacent, भाई के लिए adjacent कौन है रे, ये साइड AC, अपॉन hypotenuse कौन है 20, cos 60 कितना होता है आपको पता होगा, तो cos 60 is 1/2, so 1/2 is AC by 20, so 20 ऊपर चला जाएगा, it will be 20/2, ये कितना हो गया भाई AC 10, तो ये भी कितना हो जाएगा 10, total is 20, है ना, total is 20, अंडरस्टूड, समझ पा रहे हो भाई, राइट। सो रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हैज टू एंगल्स ऑफ 60 डिग्री ईच, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ऑलराइट, नेक्स्ट। चलो ये भी कितना मस्त क्वेश्चन है, देखो। सो सिंपल बात है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, पहले तो सर्कल लगेगा, ठीक है, सर्कल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है। अब आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा भाई मेरे, ठीक है, मेरी ड्रॉइंग इतनी अच्छी नहीं है, पहले ही बोल दिया मैंने, चलेगा, लग तो सर्कल नहीं रहा है, सेंटर लग रहा है वो, ठीक है, लेकिन कंसीडर कर लो ये सर्कल है, और उस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना दिया है भाई, सर्कल का जो रेडियस है वो कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, ये मेरा सेंटर हो गया, तो ये रेडियस 6 सेंटीमीटर, अगर इसको भी जॉइन कर दूंगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको भी जॉइन कर दूंगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, चलेगा, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स साइड, साइड निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर्कल के अंदर, तो उसका साइड निकालना है साइड, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक एंगल कितने का होता है 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया 30, सेम ये पूरा एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया 30, समझ में आ रहा है, ठीक है राइट। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं यहां से एक लाइन मार दूं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, इसको मैं बोल रहा हूं ए, इसको मैं बोल रहा हूं बी, इसको मैं बोल रहा हूं सी, परपेंडिकुलर हो गया मेरा भाई, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, हमें ए बी पता है, एंगल पता है, और एसी निकालना है, कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कॉस 30, अगर मैं कॉस 30 लगाऊ तो कॉस 30 क्या होता है एडजेसेंट साइड, 30 के लिए एडजेसेंट कौन है एसी अपॉन हाइपोटेनियस 6, कॉस 30 कितना होता है भाई, कॉस 30 इज रूट 3/2, सो एसी बाय 6, तो 6 को ऊपर भेज दो तो इट विल बी 6√3/2 इज इक्वल टू एसी राइट right? तो एसी कितना आया भाई 6√3/2, तो एसी जितना होगा उतना ही सी, लेट्स से डी बोल देते, सो सीडी हो जाएगा,
है कि नहीं? क्योंकि अगर आपने देखा होगा सर्कल नाम का चैप्टर, तो सर्कल नाम का चैप्टर क्या होता है, अगर तुम सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे क्वाड पे तो हाफ में कट कर देती है, तो ये आधा हो गया, तो ये आधा हो गया, तो 6√3, और ये भी कितना हो जाएगा 6√3, दोनों का ऐड कर दो यार, कितना हो जाएगा 6√3 + 6√3, और मजा भी आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या नाम देंगे? इक्विलेटरल, क्या नाम देंगे भाई इसको? इक्विलेटरल के लिए ई, ट्रायंगल के लिए टी, है ना, और सर्कल के लिए सी। सर ईटीसी क्वेश्चन समझ में आ गया, ये लिख दो, ईटीसी क्वेश्चन समझ में आ गया, जिनको समझ में आया वही लिखना, समझ में आए तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चलेगा, ओके, राइट। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत 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 बहुत, ठीक है। इसके क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे मजा ही मजा आना आएगा तुमको। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में आपको क्या बताया था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसा एंगल जिनका एडिशन 90 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसा एंगल जिनका एडिशन 90 डिग्री होता है, समझ पा रहे हो? सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो सर इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे देखो, इसके लिए ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये हमने ऑलरेडी निकाला है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। सर इसका मतलब क्या है? देखो भाई, साइन 0 डिग्री जितना है उतना ही क्या है कॉस 90 डिग्री है, देखो, या फिर साइन 30 डिग्री जितना होगा ना, साइन 30 डिग्री, ग्रीन पेन से कर देता हूं, मतलब बहुत ही जबरदस्त समझ में आएगा, साइन 30 डिग्री जितना होगा ना भाई उतना ही होगा कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, देखो ना, साइन 30 डिग्री 1/2 ओवर इन व्हिच कॉस 60 डिग्री 1/2, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, साइन 30 और कॉस 60 दोनों का आंसर कितना आता है 90, जब भी एंगलों का एडिशन 90 आता है ना तो रेशियो सेम हो जाते हैं। सर बोले तो एक झटके में समझ में आ जाएगा आपको, अभी नेक्स्ट सिप पे अच्छे से देखना, है कि नहीं? ये तो बाद में पढ़ लो, पहले मैं एग्जांपल दे देता हूं, है कि नहीं? डी सीधा दिमाग के अंदर जाना चाहिए, कॉस 10 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री इन दोनों का वैल्यू सेम होगा। सर क्यों सेम होगा? जब भी एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कॉस और साइन सेम हो जाता है, जब भी एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कॉस और साइन सेम हो जाता है, ये बात मैं समझाऊंगा, यहां पे ध्यान दो, सेम 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 कॉस का भाई साइन भाई बोल रहा हूं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री भाई बोलता हूं, है ना, अपन इधर अभी लिस्ट बना रहे कॉम्प्लीमेंट्री भाई होगी, कॉम्प्लीमेंट्री भाई, अरे अपने स्पेलिंग इतने डेंजर है कि इंग्लिश का टीचर भी शर्मा जाए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री भाई कौन सा होता है बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री भाई होता है कॉस, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री भाई होता है कोसेक, ठीक है। टैन का कॉम्प्लीमेंट्री भाई होता है कॉट। सर बोले तो टैन और कॉट के एंगल्स के एडिशन अगर मैच हो रही ना, मतलब उनका आंसर ही सेम है, मतलब देखो टैन 15 डिग्री और कॉट 75 डिग्री, ये इक्वल होंगे, सीधा इक्वल कर दो, क्यों रे भाई 75 और 15 मिलकर 90 बना रहे, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री भाई होगी एक दूसरे को, समझ में आया? सो 15 डिग्री और 75 डिग्री अगर होगा ना तो वो एक दूसरे के भाई होगी, तो इक्वल कर दो, है ना। सो ये भाइयों की लिस्ट देख लो, साइन का भाई कॉस, सेक का भाई कोसेक, टैन का भाई कॉट, है कि नहीं? स्पेशली अब मुझे पता नहीं कि वीडियो में ये कौन से पॉइंट पे आए, तो एक काम कर सकते हो बाहर के लोगों के लिए बताने के लिए कमेंट में क्या लिखने का, सपोज ये 20:25, तो 20:25 कमेंट में डालो, कोई तो डालो, मुझे पता नहीं कौन देख रहा है वीडियो, कोई तो डालो, और उनको बोलना सर कॉम्प्लीमेंट्री भाई हो, है ना, समझ में आ गया, फिर लोग भी क्लिक करेंगे क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री भाई। तो कॉम्प्लीमेंट्री भाई साइन का कॉस, टैन का कॉट, सेक का कोसेक, उल्टे भी हो सकते हैं, चलेगा। अभी तुमको फटाफट एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, अगर मैं बोल दिया साइन 40 और कॉस एक्स ये इक्वल है, तो भाई साइन और कॉस इक्वल कब होंगे, जब ये भाई होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री भाई होंगे, इसका मतलब 40 और x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 90, तो ये कितना होना पड़ेगा इसको 50, क्योंकि 50 और 40 90 आ रहा है, तभी इक्वल होगा, कितने को समझा?
समझ में आया भाई? वापस से चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं, tan 35 इज इक्वल टू cot ऑफ y, tan और cot को इक्वल कर दिया। अब भाई tan और cot इक्वल कब होंगे? जब यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री चीजें आएगी। tan और cot इक्वल कब होंगे? जब यहां पे इक्वल चीजें आएगी। क्या आएगी भाई? इक्वल चीजें। इक्वल तभी होंगी तब ये कॉम्प्लीमेंट्री भाई बनेंगे। तो 35 और y के एडिशन 90 होनी चाहिए। सो जब भी tan समथिंग cot समथिंग लिखा है ना, इसका मतलब 35 plus y is equal to 90। अब कैन आई से दैट चलो एक एग्जांपल प्यारा लेता हूं, फिर और डिटेल में समझाऊंगा। कोई खाली कर सकता हूं मैं इसको? जस्ट मुझे पूरे प्लेन चाहिए, खाली चाहिए। यस परफेक्ट, है ना? सबको समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट्री भाई की कॉन्सेप्ट, है ना? वापस से लास्ट एक एग्जांपल क्या ले ले सर? चलो tan 25 डिग्री इज इक्वल टू cot x डिग्री। तो x डिग्री कितना होगा भाई? tan और cot इक्वल कब होंगे? जब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भाई होंगे, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तभी। तो भाई 25 और x की एडिशन 90 आनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है भाई? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री एडिशन आनी चाहिए। तो कितना होगा वो? कितना होगा? 65 x की वैल्यू हो जाएगी 65। येलो पेन से लिख रहा हूं, है ना? x की वैल्यू हो जाएगी 65 डिग्री। क्यों रे? 65 प्लस 25 90 होता है, समझ में आया? सो tan 25 अगर cot x होगा तो आंसर आ जाएगा 65। लेकिन सर थोड़ा दिमाग लगाओ, लगाते कोई प्रॉब्लम नहीं, बताओ कौन सा दिमाग लगाना है, है ना? राइट? तो जैसे मैंने डिस्कस किया, tan 25 इज इक्वल टू अगर cot x होगा, क्या होगा भाई? cot x डिग्री होगा। तो x डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो बहुत आसान है भाई, मुझे एक बात बताओ, tan और cot इक्वल है मतलब इन दोनों एंगलों की एडिशन कितनी है? 90 डिग्री। इसका मतलब 25 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं x को उधर भेज दूं, सो 25 डिग्री विल बी इक्वल टू 90 माइनस x। आराम से देखो भाई, कॉम्प्लीमेंट्री भाई, tan cot इक्वल है मतलब इन दोनों के एडिशन 90 आनी चाहिए। अगर इन दोनों के एडिशन 90 आनी चाहिए मतलब x अगर उधर भेज दूं तो 25 इक्वल टू 90 माइनस x। सो 25 की जगह अगर मैं 90 माइनस x लिख दूं, देखो ये जो 25 है ना, इसकी जगह अगर मैं 90 माइनस x लिख दूं तो फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, tan ऑफ 90 माइनस x is equal to cot x। फुल टाइम पास tan ऑफ 90 माइनस x इक्वल टू cot x। मैं तुमको ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, दिमाग खुला रखोगे फटाफट आंसर निकलेंगे। tan ऑफ 90 माइनस x इक्वल टू cot x, ये फॉर्मूला बन गया। सेम साइन ऑफ 90 माइनस x इक्वल टू क्या आएगा भाई? cos x। sec ऑफ 90 माइनस x क्या आएगा भाई? cosec x। ठीक है, तो यही तो फॉर्मूला हमें पढ़ने आगे जाते। देखो बरा रुको रे, हाँ देखो बरा रुक जा भाई। यस परफेक्ट, ठीक है, समझ पा रहे हो? सो दीज आर नथिंग बट द फॉर्मूलीज, है कि नहीं? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। तुम थीटा का वैल्यू डालो तुमको एक सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अगर 90 में से माइनस किया तो ये अपने आप कॉस बन जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री भाई बन जाएंगे। 90 माइनस थीटा और थीटा को ऐड करोगे तो माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल होगा, बचेगा 90, तो कॉम्प्लीमेंट्री भाई। तो ये फॉर्मूले साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सॉरी है ना, फॉर्मूले थोड़ा याद रखने में थोड़ा डर लगता है, अरे कोई डर नहीं है तुमको, इसके बाद एक ट्रिक बता दो अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है सेम, तो कॉस का 90 माइनस थीटा क्या आएगा? साइन थीटा। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है। सेम गोस फॉर टैन, सेम गोस फॉर टैन। तो भाई मुझे एक बार बताओ यार, tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा? 90 माइनस थीटा मतलब cot, तो भाई cot ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा? क्या होगा cot ऑफ 90 माइनस थीटा? tan, है कि नहीं? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री भाई है, tan cot, cos sin, sin cos, है ना? सेम sec का अगर निकालना होगा तो कौन सा कलर लो भाई? ये ले लेता हूं पिंक, इफ देयर आर गर्ल्स वॉचिंग दिस आपके लिए पिंक। ठीक है, राइट? सो sec ऑफ 90 माइनस थीटा इज cosec थीटा, तो भाई वैसे ही cosec ऑफ 90 माइनस थीटा क्या आएगा, क्या लगता है आपको? sec थीटा। अंडरस्टूड एवरीवन ऑफ यू? सब लोग समझ पा रहे हो? वेरी गुड। ठीक है, सो दीज आर नथिंग बट अ कॉम्प्लीमेंट्री भाईज। आई थिंक ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर एग्जांपल हम कर सकते हैं। डरने का इश नहीं है, देखो ये क्वेश्चन एक झटके में सॉल्व हो जाएगा। cos 37 और sin 53, तो हमको पता है भाई cos और sin एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री भाई है, कुछ भी नहीं करने का। cos 37 मैं sin 53 को वैसे ही लिख रहा, कुछ भी हाथ नहीं लगा रहा, लेकिन cos को sin में कन्वर्ट करना है,
कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लीमेंट्री वाई में कन्वर्ट करना है, तो अगर अंदर 37 होगा तो इधर तुमको 90 - 37 लिखना पड़ेगा। बराबर है क्या? कॉस 37 को मुझे क्या लिखना पड़ेगा रे? अगर कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो 37 को 90 - 37 में कन्वर्ट होना पड़ेगा। क्यों? इसका और इसका एडिशन 90 आना चाहिए। देखो बड़ा, कॉस 37 इज इक्वल टू 90 - 37 साइन 53। 53 + 37 एडिशन 90 आता है। ठीक है, तो डरने का ही नहीं। व्हेनेवर यू गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, इसको तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री भाई में लेके जाने का। अगर नहीं जा रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ एसपीआई, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सर यूजिंग लॉगरिथमिक टेबल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसकी बात ही नहीं कर रहे। एसपीआई में अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो उसको कैंसिल ही होना है। तो दोनों में से किसी को भी चेंज करो, तुम जिसको चाहते हो उसको चेंज करो। मैं कॉस 37 को चेंज किया लास्ट टाइम, अब मैं साइन 53 को चेंज करूंगा। सर कैसे चेंज करोगे आप बता रहा हूं? देखो, कॉस 37 को वैसे लिख रहा हूं मैं, कॉस 37 को मैं वैसे लिखा, अपॉन साइन 53 को मैं कैसे लिखूंगा? साइन को अगर कॉस में करोगे, ठीक है, तो 53 को 90 - 53 करो। ठीक है, तो साइन को कॉस में किया तो 90 में से 53 चला गया कॉस 37, कॉस 37 कॉस 37 आंसर 1। इट इज सो सिंपल। ठीक है, तो क्या समझ में आया? सब लोग ध्यान दो, एक ही एग्जांपल में पूरा सब कुछ समझ में आ रहा है आपको। कॉस 37 साइन 53, तो एक बंदे को दूसरे बंदे में कन्वर्ट करना है अपने को, एक बंदे को दूसरे बंदे में कन्वर्ट करना है। किसको भी किसमें भी कन्वर्ट करो, नॉट अ बिग ऑफ अ डील। बस जब कन्वर्ट करोगे फिक्स करो, सर दोनों में से कन्वर्ट किसको करूंगा? सर ऊपर वाले को करना है। चलो, कॉस को किसमें कन्वर्ट करोगे? भाई को ना उसका साइन। तो अगर यहां पे 37 है तो यहां पे क्या आएगा? 90 में से 37 चला गया 53। क्यों? इस 53 का और इस 37 का एडिशन 90 आना चाहिए। तो अगर 37 को कन्वर्ट करना है तो 90 - 37 53 इधर लिखना पड़ेगा, सो देट उनका एडिशन ऊपर आ जाए। अंडरस्टूड? चलो, क्या मस्त क्वेश्चन है, देखो बरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। टैन 54 कॉट 56, अगर मैं रहता ना, वन आंसर अगर मैं रहता तो। ठीक है, बट आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा बहुत तो कर देता हूं। चलो, टैन 54 शायद गेम हो गया। ठीक है, 36 होना चाहिए, 50 - 6 = 60 36 क्वेश्चन इज लिटिल रॉन्ग, 36 चलेगा। टैन 54 अपॉन कॉट 36, थोड़ा टाइमिंग मिस्टेक हमसे भी होता है, होना भी चाहिए, चलेगा राइट। सो टैन 54 अपॉन कॉट 36, डिसाइड कर लो किसको चेंज करना है, कॉट को या टैन को। तुम जिस अगर मेरे सामने होता मैं पूछता बताओ किसको चेंज करना है, फिर आप बोलते सर टैन को करो। ठीक है, तो मैं टैन को करूंगा, है ना। सो मैं कॉट को ऐसे रखने वाला हूँ, कॉट 36 को मैं ऐसे रखूंगा, टैन को चेंज करूंगा। टैन का भाई कॉम्प्लीमेंट्री भाई टैन का कॉट, लेकिन अगर ये 54 है तो 90 - 54 कितना आएगा? 36। सो ये भी कॉट 36, ये भी कॉट 36, आंसर इज 1। अंडरस्टूड? करो भाई सॉल्व। टाइपिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। cos x cos 51 डिग्री, sin 39 डिग्री माइनस cos 51 डिग्री। अब भाई देखो यार, ऐसे क्वेश्चन में तुमको डायरेक्ट मजे आने चाहिए कि ये सारी एक साइन एक कॉस है, एक तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करो, एक तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करो। चलो मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर साइन को मैंने कॉस में कन्वर्ट किया तो 39 को 90 में से माइनस करना पड़ेगा। इतको सोपा वर्ग का आता है तरी आया भाई बाबा। ठीक है ना, क्वेश्चन है cos 10 डिग्री है कि नहीं? कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो यहां पे 10 है ना, इसको 90 से माइनस करो, कितना आता है? 80। आंसर इसी का, समझा? लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूं सबको, अभी 3-4 एग्जांपल दूंगा बैक टू बैक, फटाफट आंसर देना मुझे। ठीक है, खुद मन में आंसर दे दो। टैन 20 डिग्री कन्वर्ट किसमें होगा रे? टैन होगा कॉट में, 20 की जगह क्या आ जाएगा? 90 में से 20 चला गया 70, बराबर है। सो टैन 20 एंड कॉट 70 इक्वल होता है। या फिर मुझे एक बात बताओ भाई, कॉट 25 डिग्री करना है तो पहले कॉट कन्वर्ट होगा टैन में, और फिर 90 में से 25 माइनस कर दो, आंसर वुड बी 65, है ना। या फिर साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री करना है मुझे तो साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, और यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 30 डिग्री, क्योंकि 90 में से 60 माइनस करो तो 30 आएगा। समझ में आएगा? अंडरस्टूड? से 35 डिग्री है भाई, 35 डिग्री तो सेक होगा कोसेक में कन्वर्ट, लेकिन अगर ये 35 है तो 90 में से 35 माइनस कर दो, 90 - 35 माइनस करा कितनी होता है कि नहीं? इट विल बी 55 डिग्री, चलेगा। तो फटाफट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, साइन 39 डिग्री माइनस कॉस 51 डिग्री, साइन को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं कॉस में, सो कॉस तो 90 में से 39 चला गया, कितना बचा? 51 माइनस, ये वैसे ही रखा, कॉस 51 माइनस कॉस 51 0। अरे भाई
तो अगर ऐसे एब्रप्ट कुछ भी आधे जेड एंगल मिले 39, 51, 32, 57 ऐसे कुछ भी आधे जेड एंगल मिले तो एक ऑब्जर्व करना, एक साइन होगा दूसरा कॉसी होगा। आप क्वेश्चन देख रहे हो, देख रहे हो, दीज आर नॉट माई क्वेश्चन, दीज आर फ्रॉम आर डी शर्मा, ठीक है चलेगा। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे करोगे, एक है कॉट 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 सारे कॉट में भाई, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो शायद आ सकता है। मैंने ऑब्जर्व क्या क्या बताया, देख ये 12 डिग्री और 78 डिग्री अगर ऐड करेगा, ये 12 डिग्री और ये 78 डिग्री अगर तू ऐड करेगा ना भाई, 90 आंसर आ रहा है, बराबर है। तुम्हें क्या करो, सब लोग ध्यान दो भैया, सब लोगों का ध्यान चाहिए भाई। कॉट को मुझे करना है टाइम में कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट करना है भाई, टाइम में। टाइम में कन्वर्ट करूंगा तो ये अगर 12 है तो 90 माइनस 12 करना पड़ेगा मुझे, 90 माइनस 12, क्योंकि कॉट टाइम में हो गया तो ये 90 माइनस 12 होगा, ये होगा 78। क्या बात है सर, ठीक है। तो इसको मैं चेंज किया, इसको चेंज किया, इस भाई का तो आंसर ही बताया मुझे, तो सिर्फ इन दोनों को चेंज कर रहा हूं मैं, चलेगा। तो क्वाट का अगर करना है आपस से तो इनटू क्या आ जाएगा, 10, ये 38 है तो 90 में से 38 चला गया, आंसर क्या आएगा, 9 - 38, तुम ही कर लो भाई, आंसर आएगा 52, ठीक है। तो पहले बंदे को भी चेंज किया, दूसरे बंदे को भी चेंज किया, इसको वैसे ही रखूंगा क्वाट 60 को, चलेगा। फिर बचा क्या, क्वाट 52 को भी वैसे रखूंगा, क्वाट 78 को भी वैसे रखूंगा। सर ऐसे क्यों किया भाई, मुझे एक बात बताओ रे बाबा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, tan ऑफ सेम एंगल इंटू कॉट ऑफ सेम एंगल क्या होता है, 1। कारे tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कॉट थीटा होता है उसका उल्टा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। तो भाई हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस अपोजिट अपोजिट तो कैंसिल ही होना है। तो जिनको समझ में आ गया वेरी गुड, नहीं तो जिंदगी में आगे जाके जिंदगी में एक बात याद रखना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा मतलब tan ऑफ सेम एंगल इंटू कॉट ऑफ सेम एंगल बनाता है, सेम साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और ये लॉजिक भी है, ये लॉजिक भी है, क्योंकि सेक का उल्टा कोसेक, तो एक सीधा एक उल्टा है, उनको मल्टीप्लाई करके तो आंसर वन ही आना है कि नहीं, राइट। सपोज साइन थीटा की वैल्यू है 1/2, तो कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2, 1/2 का उल्टा, ये कैंसिल करो तो आंसर वन ही आएगा, ठीक है। सो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, sec थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, sec थीटा इंटू कॉस थीटा इज 1। उल्टे उल्टे लोग जब मल्टीप्लाई होते हैं आंसर तो वन ही आना है। तो भाई देखो यार, tan 78 और cot 78, tan थीटा cos थीटा, cot tan 78 जो भी होगा उसका उल्टा क्या होगा, cot 78, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। सेम tan 52 और cot 52, tan 52 जो भी होगा उसका उल्टा होगा, cot 52 कैंसिल हो जाएंगे, 1। और cot 60 का आंसर क्या आता है, tan 60 इज √3, cot 60 इज 1/3। तो भाई पूरे क्वेश्चन का आंसर, पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आया भाई, द आंसर इज 1/3। चलो उसको कलर भी देते भाई, इतना सही क्वेश्चन है, कलर भी मिलना चाहिए उसको, 1/3। समझ में आया, मुझे भी पता यार, जो ट्रिग्नोमेट्री आपने कम से कम दो दो महीने या एक एक दो दो महीने पढ़ना चाहिए था 10th क्लास में, वो मुझे 2-3 लेक्चर में खत्म करना है, ठीक है। सो आई एम गेटिंग कि बहुत फास्ट हो रहा होगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है भाई, चलेगा। चलो क्वेश्चन देखो क्या है, tan 2a is equal to cot of masala, find value of a। बहुत टाइम पास है यार, ये cot and tan ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री भाई है, जब भी ये कॉम्प्लीमेंट्री भाई होती है इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए तुम ही बताओ, 90 डिग्री। सो यहां का भाई प्लस यहां का भाई, इसका एडिशन कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। सो 2a प्लस a, 3 times a, ये -18 इधर जाके क्या होगा, +18 हो जाएगा, 90 + 18 इज 108। सो ए इज इक्वल टू 108/3, सो ए का आंसर क्या आएगा, सो 108/3 कितना होता है भाई, 36 डिग्रीज। वॉट इज द वैल्यू ऑफ ए, इज 36 डिग्री। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, आज मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि एक तो बहुत बड़ा लेक्चर और फुल अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो अगर आपको सही में लगता है कि तेजस सर आपका वीडियो लेक्चर मुझे समझ में आ गया, ठीक है, और आपको सही में लगता है कि यार तेजस सर को कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, तो कमेंट जरूर करो भाई, है ना, कि सर समझ में आ गया, इतना बोल दो। यहाँ पे अगर होता ना मैं खोद खोद के निकालता, तुझे समझा क्या, तुझे समझा क्या, तुझे समझा क्या, ठीक है। अब यहाँ पे तो बोल नहीं सकता मैं, ठीक है। सो जो भी देख रहा है, ठीक है, स्ट्रेट आई एम टेलिंग इट टू यू, तुझे बता रहा हूँ मैं, नीचे कमेंट में जा लिख के सर समझ में आया, फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है, परफेक्ट। नहीं यार, सिखाना अगर है तो टीचर का एक जिम्मेदारी होना चाहिए कि लड़कों को समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द पार्ट वन, राइट। सो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट वन, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में विल बी लर्निंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसके बाद हाइट्स एंड डिस्टेंसेस।
again, before I finish my lecture, before I say something which is very important, एक चीज बताऊंगा, एसपीआई करना है ना भाई, ट्रिग्नोमेट्री करो. 75 questions मैथ्स पूछने वाला है, 5 क्या 10 क्वेश्चन तक ट्रिग्नोमेट्री पे आ सकते हैं. 10 क्वेश्चन, जस्ट इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट इज इट इज टू अंडरस्टैंड द ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री आपको करना ही पड़ेगा. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग भाई, टेस्ट वालों में देखो, मैं वापस आपको बता रहा हूं कि टेस्ट सीरियसली दो, एप्लीकेशन में जाकर टेस्ट सीरियसली दो. क्यों ऐसे होता है कि 50 लोग है उसमें से 20 लोग टेस्ट दे रहे हैं, या 30 लोग टेस्ट दे रहे हैं, 40 लोग टेस्ट दे रहे हैं. टेक टेस्ट सीरियसली इफ यू वॉन्ट टू कम्पीट इन टू सच अ, है ना, डेंजर वाला कॉम्पिटिशन, तो यू हैव टू स्टडी हार्ड. राइट, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद.